गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एमसीबी। ठीक है, एमसीबी कितने प्रकार के बताए थे? टू पोल, थ्री पोल और फोर पोल और सिंगल पोल। ठीक है, बेसिकली जो एमसीबी है हमारी क्या है, घरेलू के लिए यूज होती है, घरेलू छोटे छोटे लोड जो होते हैं। ठीक है, छोटे लोड जो होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर जो ज्यादा हमारे हैवी मशीनें वगैरह होती है उसमें क्या लगता है, एमसीसीबी लगता है। एमसीसीबी या फिर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जैसे सर्किट ब्रेकर हमारे बहुत प्रकार के आते हैं। ठीक है, वो अलग था कि हम आज एमसीबी पढ़ रहे हैं। तो हमने सिंगल पोल पढ़ ली। सिंगल पोल जो हमारी कैसे जुड़ती है, फेज तार के सीरीज में जुड़ती है। मैंने सर्किट भी बनाया था। ठीक है, ऐसे हमारी टू पोल होती है। टू पोल हमारी आइसोलेटर कहलाती है। आइसोलेटर कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे दो पोल है। ठीक है, दो पोल होते हैं, एक में न्यूट्रल चला जाता है और एक में फेज चला जाता है। ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है, मतलब वैसे वर्क तो फेज ही करता है, न्यूट्रल कोई वर्क नहीं करता, पर जब फेज पॉजिटिव वाला पोल गिरता है तो नेगेटिव को भी साथ में गिरा देता है। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, इसके बाद होता है थ्री पोल एमसीबी। अगर मैं सर्किट बनाऊं, मान लो ये एमसीबी है, ये क्या इसकी नोब है। ठीक है, ये नोब है, ऐसे दूसरी एमसीबी, इसके भी नोब है, और तीसरी एमसीबी है, इसकी भी क्या है, नोब है। ठीक है, यहां से हमने इनपुट दे दी, इनपुट पावर दे दी, इनपुट पावर, और यहाँ से हमने आउटपुट ले लिया। ठीक है, तो ये थ्री फेज के फेज में जुड़ती है, जैसे आर वाई वी, तीन फेज होते हैं हमारे। ठीक है, तो तीन फेजों के में जुड़ती है। इसमें कोई न्यूट्रल नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, न्यूट्रल कोई नहीं जोड़ा जाता है इसमें, यह थ्री पोल वाली होती है। अगर ये इसका अगर रेटिंग बताऊँ तो कैसे में होती है, देखिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर और 30 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या होती है, रेटिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा आइसोलेटर हमारा 63 एम्पियर तक का होता है आइसोलेटर। ठीक है, 16 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ये जो हमारी सिंगल पोल होती है, ये 0.5 से लेकर, ठीक है, 63 एम्पियर तक होता है इनकी रेटिंग। इस तरह हमारे आइसोलेटर होते हैं। आइसोलेटर हमारा ऑफ लोड कंडीशन। ठीक है, जब हमें सप्लाई को हटाकर वर्क करना हो, उस समय क्या करता है, ऑफ लोड में काम करता है। ऑन लोड में हमारी एमसीबी काम करती है। जब हमारा लोड चलता है तो उस समय मान लो कुछ फॉल्ट आ गया, तो उस समय कौन काम करेगा, हमारा एमसीबी काम करेगा। जब भी हमारा कुछ फॉल्ट वगैरह अगर सही करना है तो उस समय कौन काम में लेंगे, आइसोलेटर में लेंगे। ठीक है, ऐसे थ्री फेज है। थ्री फेज की जितनी भी मतलब लाइन वगैरह, उसमें क्या होता है, हमारा ज़्यादा हैवी लोड के लिए हम यूज नहीं करते। जैसे 5 एम्पियर का हो, 10 एम्पियर हो, 16 एम्पियर हो, 30 एम्पियर हो, है ना, इतनी एम्पियर के लिए हम एमसीबी ये वाले यूज होती हैं। अब तीसरी जो चौथी चार पोल वाली होती हैं, उसमें फर्क कुछ नहीं है, तीन पोल आ जाएंगे, चौथा कि सिर्फ न्यूट्रल का आ जाए। ठीक है, ये लोड बना लो इस तरह से, 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ये इनपुट सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, इनपुट दे दिया हमने, इसमें क्या आ जाएगा, आर वाई वाई बी प्लस एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल किसी एक पत्ती में सबसे क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब सभी से जुड़ा हुआ है, जो न्यूट्रल है सभी से जुड़ा हुआ, अगर ये भी गिरेगा तो उसको गिरा देगा, है ना। अगर एक एमसीबी गिर जाती है, वो एमसीबी अगर खड़ी रहती, मतलब
वर्क में रहती है तो उसको बोलते हैं सिंगल फेसिंग। सिंगल फेसिंग के कारण क्या होता है, जैसे कोई हमारी थ्री फेस मोटर है उसकी जो वाइंडिंग है वो मान लो स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार में कनेक्टेड है। अगर ये वाला फेस कट हो गया तो ये यहाँ का जो लोड है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस होने के कारण क्या हो जाएगी, ये कुछ मतलब वाइंडिंग को क्या कर देगा, फूक देगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, ये इस तरह से क्या करता है, सारी इनपुट को गिरा देगा और इसके कारण हमारा जो लोड है वो हट जाएगा, और इसे ये सेफ्टी डिवाइस है, इस तरह से सिंगल फेसिंग इसको कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बाद कुछ एमसीबी हमारी कलर के अनुसार आती है, कुछ एमसीबी हमारी रेटिंग के अनुसार आती है। जैसे कलर के अनुसार बताऊं मैं, कलर के अनुसार, ठीक है, वो किसके अनुसार बताई थी मैंने, कोड के अनुसार अनुसार, ठीक है। कलर के अनुसार कैसे आती है हमारी, एक आती है ब्लैक, सी ब्लैक कलर, ठीक है। तो ब्लैक कलर होगी वो डीसी को इंडिकेट करे, आप बोलोगे जो ब्लैक कलर की एमसीबी है वो किसके लिए होती है, एमसीबी में लिख देता हूँ एमसीबी, ठीक है। जो एमसीबी ब्लैक कलर की होती है वो डीसी के लिए होती है। रेड आती है, ठीक है, रेड हमारी आइसोलेटर के लिए यूज होती है, ठीक है, आइसोलेटर के लिए यूज होती है। मैंने एक यूपीसी वाला पेपर दिया था तो उसी ने पूछा था कि ब्लैक कलर की जो हमारी एमसीबी होती है, जैसे जो आप देखते हो ना ये एमसीबी जो लगी होती है, मान लो ये पीछे का है तो इसके अंदर ये एमसीबी लग गया, यहाँ पे जो नोब होगी वो कैसे कलर की होगी, वो काले कलर की होगी या फिर रेड कलर की होगी। तो नोब से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये किसके लिए यूज है ना। वैसे मार्केट में नीली पीली सारे कलर की आती है, पर ये स्टैंडर्ड कलर है, इसको आप मतलब पेपरों में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ें नहीं दिखेंगी पर जो उसमें मतलब पेपरों में आपको लिखना पड़ेगा। तीसरी आती है हमारी ब्लू, ठीक है, ब्लू होता है हमारा नीला कलर, ठीक है, नीला कलर हमारा मोटर के लिए, मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, मोटर प्रोटेक्शन, मोटर सुरक्षा, ठीक है, तो मोटरों के लिए यूज होती है, ठीक है। इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है, जो इनकी जो टाइमिंग है, जो हमारी मोटर आपने अभी पढ़ा नहीं है, मोटर की जो विशेषता होती है वो शुरुआत में बहुत अधिक तोड़ लेता है, तो इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो उसके लोड को सहन कर सके, ठीक है, मतलब जल्दी से ट्रिक ना हो। तो उसको कुछ डेढ़ गुना, मान लो कोई मोटर डेढ़ गुना शुरुआत में लेती है, कोई सात गुना लेती है ना, तो उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है। तो मोटर प्रोटेक्शन के लिए कौन से कलर की आनी, वो नोब जो होती है ना इसकी, नोब, ये नोब है, ठीक है, नोब, तो ये नोब इसकी कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इस तरह से इनकी क्या होती है, कलरिंग होती है। इसके बाद जो ग्रीन वाली कलर आता है, हरा कलर है ना, जी आर डबल जी आर, ठीक है, जो ग्रीन कलर की आती है यानी हरा, हरा कलर का हमारा लाइटिंग लोड के लिए होता है, ठीक है, लाइटिंग लोड, लाइटिंग लोड के लिए हमारी कौन सी एमसीबी यूज होगी, हरे कलर की, जिसकी नोब होगी हमारे लाइटिंग लोड के लिए यूज होगी। इसका जो ट्रिपिंग टाइम होगा, ठीक है, मैं जब ट्रिपिंग टाइम के अनुसार अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, ट्रिपिंग के अनुसार वो अलग होगी। और एक आती है हमारी ग्रेड के अनुसार, ए बी सी डी, बहुत प्रकार की एमसीबी होती है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है, ये नीला प्रोटेक्शन, मोटर सुरक्षा, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।